हिंदू धर्म में नवरात्र का समय बहुत ही पवित्र माना गया है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माँ दुर्गा के स्वरूपों में से एक माँ कात्यायनी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार महिषासुर नाम के एक देवते का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी अष्टमी और नवमी तिथि पर मां कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन मां का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक मां कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। विधि विधान से मां कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और आसपास के सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन भी स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्रों को धारण कर लें। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले कलश की पूजा करें। इसके बाद मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ मां कात्यायनी की पूजा आरंभ कर लें। मां को श्रृंगार करने के साथ माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत चढ़ाने के साथ भोग में फल, मिठाई, शहद आदि चढ़ा दें। इसके साथ ही पान में 2 लौंग, बताशा, 1 छोटी इलायची और 1 रुपए का सिक्का रखकर चढ़ा दे। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर दुर्गा सप्तशती मां कात्यायनी मंत्र स्तुति ध्यान दुर्गा चालीसा आदि का पाठ करके अंत में आरती कर ले। मां कात्यायनी को शहद काफी प्रिय है, इसलिए भोग में शहद जरूर चढ़ाए। इससे वे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आज के हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आज के हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।